प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आज जो हमारा टॉपिक है वो है एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन। बहुत कम बच्चे इसमें डिफरेंशिएशन कर पाते हैं, तो मैं अपनी तरफ से पूरी समझाने की कोशिश करूंगा व्हाट डू मीन बाय एक्यूरेसी एंड व्हाट डू मीन बाय प्रिसिशन। एक्यूरेसी क्या होती है? द क्लोजनेस ऑफ द मेजर्ड वैल्यू, द क्लोजनेस ऑफ द मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज एक्यूरेसी। मतलब एक ट्रू वैल्यू है और मेजर्ड वैल्यू है, मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के बहुत क्लोज है, उसे कहेंगे एक्यूरेट, और ये टर्म कहलाएगी एक्यूरेसी। प्रिसिशन क्या होती है? प्रिसिशन होती है मींस द एक्सटेंट और लिमिट अप टू विच मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज डन। क्या होती है प्रिसिशन? इट इज द डिग्री और एक्सटेंट अप टू विच, इट मीन्स द एक्सटेंट और लिमिट अप टू विच द मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज डन। मतलब एक रिजल्ट है, मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाऊंगा, मैं इसकी डेफिनेशन फिर बताता हूं। प्रिसिशन मीन्स द एक्सटेंट और लिमिट अप टू विच द मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज डन। देखो ये ऐसे नहीं समझ में आएंगी, ये एक एग्जाम्पल से समझ में आएंगी। एक्यूरेसी दैट इज प्रिसिशन। हमारे पास एक ट्रू वैल्यू है फाइव पॉइंट सिक्स सिक्स एट सेंटीमीटर, ये हमारी ट्रू वैल्यू है। हमने एक मेजरमेंट किया, हमारी वैल्यू आई फाइव पॉइंट फाइव एट सेंटीमीटर। हमने दूसरे इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया, इसकी आई 5.368। अब इसका रिजल्ट है 5.668, ये क्लोज टू ट्रू वैल्यू 5.668 सेंटीमीटर। तो एक्यूरेसी में क्या होता है, जो रिजल्ट जो हमने जो फिजिकल क्वांटिटी को मेजर्ड किया उसकी वैल्यू ट्रू वैल्यू के लगभग बराबर आएगी, दैट इज एक्यूरेसी। प्रिसिशन में क्या है, हमारा रिजल्ट ये था लेकिन ये 0.001 की एक्सटेंट तक एक्यूरेट था, और जो 5.668 था ये भी 0.001, तो ये प्रिसाइज रिजल्ट कहलाएगा कि ये लिमिट और एक्सटेंट तक प्रिसाइज है और ये एक्यूरेट है। एक और एग्जांपल देखते हैं। हमें ना टारगेट पॉइंट दे रखे हैं, ये टारगेट पॉइंट है। जैसे एनसीसी फायरिंग करते हैं या कोई भी फायरिंग कर रहे हैं तो एक टारगेट पॉइंट दे दिया जाता है। हमारे रिजल्ट इस टारगेट पॉइंट के आसपास आए सारे के सारे। यहां पे पहला बुलेट यहां पे लिखा था, वो बाकी बुलेट भी इसके आसपास आए। रिपीटेड रिजल्ट क्लोज टू द ट्रू वैल्यू, ये क्या है? रिपीटेड रिजल्ट क्लोज टू द ट्रू वैल्यू, ये भी रिपीटेड रिजल्ट है। रिपीटेड रिजल्ट बट नॉट क्लोज टू ट्रू वैल्यू। ये बहुत आसान तरीका समझने का है कि इसमें क्या है, रिपीटेड रिजल्ट्स हैं और ट्रू वैल्यू से मैच कर रहे हैं। यहां रिपीटेड रिजल्ट है, दोनों रिपीटेड रिजल्ट है, एक ट्रू वैल्यू को क्लोज है एक ट्रू वैल्यू के क्लोज नहीं है। जहां पहला बुलेट लगा बाकी बुलेट सारे आसपास लगे, प्रिसाइज। लेकिन एक्यूरेसी में क्या है, रिपीटेड रिजल्ट क्लोज टू द ट्रू वैल्यू। अब ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से हमने समझाने की कोशिश करी है प्रिसाइज रिजल्ट
क्या होती है एक्सटेंट, क्या होती है लिमिट होती है, क्या होती है ये एक्सटेंट और लिमिट होती है अप टू विच मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी रन, ये लिमिट है। ये कितना आ गया 1/1000 पार्ट तक। लेकिन अगर हम इसकी प्रिसाइज देखेंगे 0.01 1/100 पार्ट तक, ये रिजल्ट 1/100 पार्ट तक एक्यूरेट है और ये रिजल्ट 1/1000 टाइम्स तक प्रिसाइज है। तो डेसिमल के बाद जितनी वैल्यूज रिजल्ट में आएगी वो प्रिसाइज को शो करेगा और न्यूमेरिकल वैल्यू जितनी भी ट्रू वैल्यू के पास आएगी वो किसको एक्यूरेट रिजल्ट को शो करेगा। तो मुझे लगता है बेटा जो मैंने एग्जांपल समझा के आपको बताने की कोशिश करी है एक्यूरेसी और प्रिसिशन में, अगर आपको समझ में आ रही है तो बेटा वीडियो को लाइक बनता है, शेयर भी कीजिए अपने साथियों के साथ। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आपको इसी तरह सारे टॉपिक्स क्लियर होते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।